हेलो किड्स, माय नेम इज़ कविता। आज हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नाउ वी स्टार्ट एडजेक्टिव्स। सबसे पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं। एडजेक्टिव्स टेल अस व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी, व्हाट कलर, ईच, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में उसकी विशेषता, उसके रंग, नंबर, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये एडजेक्टिव में आती हैं। जैसे लुक हियर, सबसे पहले एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है। क्वालिटी किसी चीज़ की विशेषता बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ब्रेव बॉय। ही इज ब्रेव बॉय यानी कि वह एक बहादुर लड़का है। इसमें आपको पता है ब्रेव क्या है? जो ब्रेव है वो एक बच्चे की क्वालिटी के बारे में, एक लड़के की क्वालिटी के बारे में बताया गया है। ज़रूरी नहीं कि ब्रेव ही हो, कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं। शी इज कावर्ड गर्ल, वह एक डरपोक लड़की है। उसमें जो कावर्ड है वो वर्ड आ गया हमारा क्वालिटी की। और सेकेंड एग्जाम्पल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बताया, वो है शी इज इंटेलिजेंट। बड़े बच्चों साथ मेरे, शी इज इंटेलिजेंट इन द क्लास। यानी कि वो जो लड़की है वो अपनी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट समझदार। जरूरी नहीं कि ब्रेव कावर्ड ही क्वालिटी में आता हो, क्वालिटी में ओल्ड भी आ सकता है। जैसे गोपीज एंड ओल्ड मैन। द वर्ड ओल्ड टेल अस व्हाट काइंड ऑफ मैन गोपी इज। इट डिस्क्राइब द मैन। इसी तरह शी इज इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। अब नेक्स्ट आता है कलर। कलर क्या है? किसी भी नाउन या प्रनाउन के रंग रूप को बताना कलर होता है। जैसे दिस इज ए पिंक लॉटस, ये एक गुलाबी रंग का लॉटस है। लॉटस पता ना बच्चों क्या होता है? कमल का फूल। इसी तरह सेकंड नंबर पे दिस इज रेड रोज, ये एक लाल गुलाब है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कलर की। जब किसी सेंटेंस में कलर आता है तो वो शो करता है उसकी रंग रूप को। नंबर थ्री है साइज। अब साइज से रिलेटेड जो थिंग्स होती हैं हम उनके बारे में लिखेंगे। दिस इज लॉन्ग पेंसिल, ये एक लंबी पेंसिल है। अब लॉन्ग क्या हो गया? लंबी। इसके अलावा हम लिखेंगे दैट इज ए बिग हाउस, ये एक बड़ा घर है। अब हम इसमें बात कर रहे हैं साइज की। जिस सेंटेंस में साइज से रिलेटेड बात आए वो भी एडजेक्टिव है। अब आपने देखा दीज वर्ड पिंक, रेड, लॉन्ग, बिग, ये सब टेल अस अबाउट एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ नंबर्स। नंबर्स में देखें, आई हैव टू पेंस, यू हैव मैनी पेंसिल, सीता हैव सम पेंसिल। तो द वर्ड टू, मैनी,
sum. It describes the numbers. Look at this sentence. There are some water in the glass. और सम क्या हो गया? Adjective. ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें adjective के बारे में, noun और pronoun की विशेषता के बारे में बता रही हैं। अगला सेंटेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। Look she, यानी कि she is very beautiful, वो बहुत सुंदर है। लुक्स जो है ये भी एडजेक्टिव में आता है। एक लड़की की खूबसूरती के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है फील, फील यानी कि फीलिंग। फीलिंग क्या है? वो फीलिंग जो हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे किसी चीज़ को महसूस किया जाता है या किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है। जैसे दिस इज वेरी सॉफ्ट पिलो, ये बहुत सॉफ्ट पिलो है। इसके बाद उसकी सॉफ्टनेस के बारे में बता रहे हैं कि ये पिलो कितना सॉफ्ट है। उसके बाद आ गया हमारे पास साउंड। साउंड, लो साउंड, हाई साउंड, ये सब क्या आ जाते हैं एडजेक्टिव में। नेक्स्ट देखो टेस्ट। टेस्ट से रिलेटेड हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, जैसे सॉल्ट, स्वीट, साल्टी, ईच। लुक एट दिस सेंटेंस। दिस मैंगो इज स्वीट, ये जो मैंगो है ये बहुत स्वीट है, मीठा है। दिस फूड इज डिलीशियस, ये फूड बड़ा डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है। तो देखो बच्चों ये दो वर्ड्स को देखो, स्वीट एंड डिलीशियस, तो हम क्या कहेंगे एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द टेस्ट। नेक्स्ट है ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। इसमें एक छोटी लड़की के बारे में बताया गया, लिटिल छोटी लड़की। ए डैश बिल्डिंग, तो बच्चों ये चीज़ आप खुद भरोगे, बताइए। तो हम क्या लिखेंगे, आप पहले बताएं कि इसमें कौन सा आएगा वर्ड। इसमें आएगा टॉल, इसमें टॉल वर्ड आएगा, इसमें हम टॉल वर्ड को लेंगे। मैंगो, स्वीट मैंगो। तो उम्मीद है बच्चों आपने इस लेसन में बहुत अच्छा सीखा कि एडजेक्टिव टेल अस व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट, कलर, नंबर, फील्स एक्स्ट्रा। नाउ एन डैश वुमेन, ओल्ड या यंग, तो ये आप अपनी मर्जी से भरोगे कि ये वुमेन जो है वो ओल्ड है। डैश कार, इसमें आप बताइए क्या भरेंगे डैश में, स्वीट या न्यू, तो हम क्या लिखेंगे न्यू कार, यानी कि ये एक नई गाड़ी है। तो इस तरह हम नाउन या परनाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे ए क्लेवर फॉक्स, ए फुलिश क्रो, ए लिटिल गर्ल, ए टॉल बिल्डिंग, ए स्वीट मैंगो, एन ओल्ड वुमेन। तो बच्चों उम्मीद है ये लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू।